हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही अहम जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि सोशल मीडिया पर अभी एक न्यूज बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, जो कि यूपीआई ट्रांजैक्शन को लेकर हो रही है। क्या यूपीआई ट्रांजैक्शन पर भी अब चार्ज लगना चालू हो गया है? तो मैं आप सभी को बता दूं कि यूपीआई ट्रांजैक्शन को लेकर आज मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो में, जो कि अभी पूरे ऑल इंडिया में लागू नहीं हुआ है, केवल उत्तर प्रदेश में ही लागू हुआ है। अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो आपको एक वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो में आप सभी को मैं यूपीआई ट्रांजैक्शन से लेकर जो सोशल मीडिया पर न्यूज चल रही है उसकी पूरी जानकारी दूंगा। तो फ्रेंड, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। मैं इस वीडियो में आप सभी को पूरी जानकारी दूंगा यूपीआई ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और मैं दिखाता हूँ ये कौन सा चार्ज है। तो आप सभी ये मेरी मोबाइल स्क्रीन के साइड में देखना, मैं आपको दिखाता हूँ। जो उत्तर प्रदेश में लगने वाला है 1 अप्रैल से, उसका नाम है पीपीआई फी। इसका फुल फॉर्म है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। ये पेमेंट आप 1 अप्रैल से उत्तर प्रदेश में लागू होगा और ये यूपीआई ट्रांजेक्शन पर लागू होगा। अब बात आती है यूपीआई ट्रांजैक्शन पर, मतलब हम सभी नॉर्मल पर्सन को भी ये फी देनी होगी। तो चलिए मैं आगे इस वीडियो में बताता हूँ, पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं बताता हूँ आप सभी को कि ये नॉर्मल पर्सन पर लगेगी या नहीं लगेगी। मैं साइड में स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ आप सभी को। 1 अप्रैल से यूपीआई प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करके किए गए मूल में 2000 से अधिक के व्यापारी लेन देन पर 1.1% का इंटरचेंज शुल्क लगेगा। हालांकि यूपीआई को नियंत्रित करने वाले भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई ने बुधवार को एक बयान में कहा, नए इंटरचेंज शुल्क केवल पीपीआई मर्चेंट लेन देन के लिए लागू हैं और ग्राहकों के लिए कोई शुल्क नहीं है। तो मैं बता दूं आपको, ये पीपीआई चार्ज है जो केवल मर्चेंट पेमेंट पर लगेगा, ना कि कस्टमर पेमेंट पर। और मर्चेंट पेमेंट पर लगेगा, ना कि कस्टमर पेमेंट पर। तो ये किस प्रकार से लगेगा, किस प्रकार से ट्रांजैक्शन करने पर लगेगा, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। आप कोई नॉर्मल ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे किसी एक अकाउंट से आपने माना कि दूसरे व्यक्ति को अकाउंट से अकाउंट में यूपीआई के द्वारा पेमेंट किया, तो उस पर कोई चार्ज नहीं लगेगा, चाहे वो मर्चेंट हो या अदर पर्सन हो। अगर आपने कोई भी ट्रांजेक्शन किया, वो भी अपने वॉलेट से किया, वॉलेट से किसी भी मर्चेंट को पेमेंट किया, तो ये फी लगेगी मर्चेंट पर, ना कि कस्टमर पर। अगर आपने किसी मर्चेंट को 2000 रुपये से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन अपने फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या किसी भी प्रकार की यूपीआई वॉलेट से पेमेंट किया, तो आप पर ये फी नहीं लगेगी, बल्कि मर्चेंट पर ये फी लागू होगी। तो आप सभी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पर कोई भी या किसी भी प्रकार का फी नहीं लगने वाला है। साइड में स्क्रीन शॉट दिख रहा होगा आप सभी को, तो आप वीडियो पॉज करके उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। ये केवल मर्चेंट पेमेंट पर फी लगेगी, कस्टमर पर कोई फी नहीं लगेगी। तो फ्रेंड, कैसी लगी ये जानकारी? जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तब तक के लिए चलता हूँ और मिलते हूँ किसी नेक्स्ट शानदार सी वीडियो में।